हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे होम जानकारी चैनल में फिर से और एक वीडियो में स्वागत करते हैं। व्यूअर्स, आज आपके साथ हम कुछ चीज़ों शेयर करना चाहता हूं और डिस्कस भी करना चाहता हूं। तो एक नंबर बात है वॉल क्रैक। दूसरे नंबर जो बात है वो है जो कैंटिलीवर क्रैक क्यों हो जाता है, टूट क्यों जाता है। तीसरा नंबर है वॉल टाइल्स क्यों गिर जाता है। तो ये तीनों चीज़ आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हम लोगों का जो छोटा छोटा गलती है इसके वजह से ये सब होता है, तो आपके साथ भी ना हो इसलिए हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। एक नंबर जो है आपका जो वॉल क्रैक है इसको आप ध्यान से देखिए। वॉल क्रैक होने का रीज़न होता है अगर वो मिट्टी का दीवार है गाँव में तो पानी ऊपर से घुसने के कारण। दूसरे नंबर अगर वो सीमेंट वाले का है तो उसका नीचे का जो फाउंडेशन है वो ठीक से नहीं बना हुआ है, नीचे का दब गया है, इसीलिए भी होता है। उसका आपको प्रूफ भी हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, फोटो को ध्यान से देखिए। देखिए इसमें मसला जो है नीचे का वो खाली हो गया है, तो इसके वजह से भी होता है। और ये वाला भी पिक्चर देख लीजिए, फोटो देख लीजिए आप, इसका भी सेम है। तो ये सब जगह क्या ध्यान से इसको मसला से बंद कर देना चाहिए ताकि वहाँ से पानी ना घुसे और ना दबे। अगर ये कर लेते हैं आप तो वहाँ से आपका पानी घुसेगा नहीं और दबेगा भी नहीं, आपका वॉल जो है क्रैक भी नहीं होगा जल्दी से, बहुत दिन लास्टिंग होगा। ओके, दूसरा नंबर जो था आपका कैंटिलीवर क्रैक हो जाता है, टूट जाता है का है। देखिए जितना खुशी मन मर्जी ऐसा हम लोग बाहर की तरफ निकाल देते हैं, 4 फुट 5 फुट कोई किसी से डिस्कस नहीं, कुछ नहीं, मर्जी मुताबिक निकाल देते हैं। अगर आपको निकलना ही है तो अच्छा अच्छा जो मिस्त्री है, ठेकेदार है, या आपको वहाँ पर आजू बाजू में कोई घर के बारे में उनको नॉलेज है, कोई इंजीनियर है, उनसे डिस्कस करिए, ऐसा करके मत निकलिए। अगर निकलना है तो एल टाइप का जो बीम आता है उसको दे दीजिए साइड से, या तो सामने में अगर आपका जगह है तो पिलर दे दीजिए। पिलर दे के आप कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर बाहर तरफ में आप 5 फुट 6 फुट 4 फुट मन मर्जी जैसे निकाल देंगे तो क्या होगा बाद में, अभी तो कुछ नहीं होगा, 8-10 साल के बाद वहाँ से क्रैक हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे मिस्त्री ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। हम लोगों का छोटा छोटा गलती की वजह से ऐसा होता है, तो आपको बाद में वहाँ से क्या होगा, फिर पानी घुसेगा, आपका छत पूरा बर्बाद होगा। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। तीसरा नंबर बात है कि वॉल टाइल्स क्यों गिर जाता है। देखिए हम लोगों बहुत गलती करते हैं लगाने के टाइम में, एक तो बढ़िया से मसला नहीं देते उसके अंदर, अब स्पेशली जो वॉल टाइल्स के लिए सीमेंट आता है उसी को ही यूज कीजिए, तो फिर और कुछ नहीं होगा। तो है जो सीमेंट वॉल के लिए है वही सीमेंट लगाइए वॉल टाइल्स में, टाइल्स को बढ़िया से भिगा के लगाए ताकि ना गिरे। और कुछ रीज़न ऐसे भी है तो जैसे कि वहाँ पर एरिया जो है माइंड्स एरिया है वाइब्रेट होता है, इसका कारण भी हो सकता है। तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, नए नए वीडियो का अपडेट मिलने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।